इस संकट की घड़ी में समस्त पटना वासियों को जहाँ भी कोई पानी से बाढ़ से ग्रसित है उन सबों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस संकट की घड़ी में सबको प्रभु उबारे। मैं खुद इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में हूँ और मैंने हम लोग ऊपर रहना होता था और हम लोग नीचे शिफ्ट कर गए थे और घर में कुछ रिनोवेशन का काम था वो चल रहा था और हम लोगों ने सारा वो सामान और सब सब नीचे ही था और वो अचानक से जो है वो पानी आने की वजह से ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं निकाल पाया और बहुत सारा सामान सारा कुछ समाप्त हो गया। नीचे का पानी का हाल देख सकते हैं, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है और इसकी हालत देखिए आप कि कहाँ तक पानी है यहाँ पे और मेरे मेन मीटर में अब जो है वो बिल्कुल पानी पहुंचने वाला है। मीटर बॉक्स जिसमें वो कटआउट्स वगैरह होते हैं जो बड़ा मीटर होता है घर का उसमें पानी आने वाला है। अब पानी आ जाएगा उसमें और हम लोगों का लाइन जो है वो कट इसलिए हम कट किया हुआ है हमारे वो टंकी में ऊपर में जो टंकी होती है उसमें पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। हम लोग बचा के किसी तरह से खर्च कर रहे हैं। पीने का पानी हम लोगों का जो है वो नहीं, मेडिसिन आपका मेडिसिन खत्म हो गया, खत्म होने वाला है आज लगता है शाम को मेडिसिन खत्म हो जाएगी। दूध नहीं, पीने का पानी नहीं, कितने दिनों के लिए आदमी स्टोर कर सकता है और क्यों करता है अभी ये को अचानक आ गया। मैं तो बहुत संकट में हूँ, मेरी दोनों गाड़ियाँ जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। पानी की स्थिति हमारे दरवाजे में ऐसे हैंडल तक जा चुका है। मैं तो निकल नहीं सकती हूँ, निकलूंगी तो मैं डूब जाऊंगी, ऐसा लग रहा मुझे कि मैं डूब जाऊंगी। मेरे तो बिल्कुल गर्दन से भी ऊपर पानी घर के अंदर आ गया है, ये कभी नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं।